नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक अमला भी कद्दावर कांग्रेसी मंत्रियों की जू हुजूरी में जुट गया है। मंगलवार को भिंड में आयोजित मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना कार्यक्रम में ऐसा ही एक वाक्या देखने में आया, जहां कलेक्टर छोटे सिंह ने सार्वजनिक रूप से सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के पैर छू लिए। दरअसल आयोजित फसल ऋण माफी कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे ही आए, तभी कलेक्टर छोटे सिंह उन्हें लेने पहुंचे और अपने पद की गरिमा भूलकर मंत्री के पैर छू लिए। सार्वजनिक कार्यक्रम में इस प्रकार से कलेक्टर के द्वारा मंत्री के पैर छूने की घटना मौके पर खड़े मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गई। इसको लेकर जब मीडिया कर्मियों ने कलेक्टर साहब से सवाल किए तो उन्होंने इस प्रकार की किसी भी घटना से इनकार कर दिया और अपनी सफाई देते नजर आए। गौरतलब है कि राजनेताओं के सामने अधिकारियों द्वारा चरण वंदना की यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राजनेताओं के पैर छूने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन सरकार की नीतियों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस प्रकार खुलेआम पैर छूना आम जनता के बीच उनकी छवि खराब कर रहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। आपने पैर छुए उनके सामने रूप पे वीडियो है, फोटो इस तरह की? नहीं, देखिए, पैर छूना तो ऐसी तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं, और अगर पैर हमने अगर किसी के छू भी लिए तो कोई ऐसा गलत नहीं है। और ये आप जो जिस तरीके का आप प्रश्न कर रहे हो, ऐसी कोई घटना यदि हुई हो तो आप मेरे को बता सकते हैं? कलेक्टर के पद पर रहते हुए पैर छूना मंत्री के क्या उचित मानते हैं आप? नहीं, देखिए, एक आईएएस की गरिमा सम्मान अलग चीज है, कलेक्टर का पद अलग चीज है, लेकिन यहाँ पैर छूने की कोई घटना हुई ये तो वीडियो मैं आपसे हम लोगों के पास आपने पैर छुए नहीं, आप शायद गलत कह रहे हैं। वहाँ पे आगे वो था, क्या कहते हैं, ये एक आते समय का वीडियो आते है। समय बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आते समय यहाँ पे एक ऊंचा नीचा प्लेस है, तो मैंने इशारा किया, सर इसको पैर को देख लीजिएगा, पैर यहाँ छोटी चोट ना लग जाए। चलो, तो ये है, आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया।